तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, या फिर कहें तो कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो दोस्तों, बहुत ही छोटे क्लास से हमको बताया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार वह उसे आउटपुट के रूप में हमको प्रदान करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह के डिफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में हमारे बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन होती है जिसको मनुष्य ने बनाया है, यानी कि हम लोगों ने बनाया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको बैंकों में, हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में और भी कई अलग अलग जगहों पे आपने इसको देखा होगा और ये दोस्तों हमारे दैनिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये जो कंप्यूटर है, ये प्रोग्रामिंग की जाने वाली एक मशीन होती हैं, यानी कि इसे प्रोग्राम किया जाता है। अब से पहले कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए होता था, यानी कि हम आम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसका रीज़न ये था कि ये बहुत ही महंगे, खर्चीले होते थे। इनका प्रयोग किया जाता था प्रयोगशालाओं में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में। ये कंप्यूटर कमरे के साइज़ के होते थे, लेकिन इसको छोटा किया हमारे इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर ने। इसको हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। जब से दोस्तों हमारे कंप्यूटर में सीपीयू का उपयोग होने लगा, तब से जो हमारे कंप्यूटर हैं वो टेबल पर आए, जिनका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा। तो दोस्तों, कंप्यूटर ने हमारे लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया है, जैसे कि बहुत ही बड़ी बड़ी गणनाओं को, कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सटीक गणना हमको मिल जाता है। ये कंप्यूटर हमारे डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और प्रोसेस करते हैं और उसके बाद बहुत ही तेज़ी और शुद्धता के साथ हमको उसका जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करते हैं। और हाँ दोस्तों, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच पाता, सब कुछ हमारे कमांड के द्वारा कार्य करता है और ये कमांड इसको सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से मिलती हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को बनाते हैं उनको प्रोग्रामर कहा जाता है और जो लोग इसका यूज करते हैं उनको यूजर कहा जाता है, जैसे कि हम लोग। तो आई होप दोस्तों, आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया हो। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।